दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे TNA रेसलिंग में हुए बाउंड फॉर ग्लोरी के कॉल यूर शॉट के गॉन्टलेट मैच जो कि 20 मैन बैटल रॉयल हुआ था, जिसमें दोस्तों सरप्राइजली हमारे रोहित राज ने TNA रेसलिंग में रिटर्न कर लिया है और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉप मिला था। उसके बाद दोस्तों हमारे भूपेंद्र गुज्जर ने भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, मतलब दोस्तों भूपेंद्र गुज्जर को भी TNA रेसलिंग में डाला है। और बात की जाए दोस्तों राज सिंह की, तो राज सिंह भी इसमें शामिल नहीं थे इस बैटल रॉयल में, और हमारे महावली शेरा भी नहीं थे। तो दोस्तों अभी बात की जाए महावली शेरा की, तो वो इस बैटल रॉयल में नहीं थे, मतलब अभी वो TNA रेसलिंग में आने वाले नहीं है शायद। अब बात की जाए कि दोस्तों रोहित राजू ने क्या परफॉर्म की जब वो एंटर होते हैं नंबर 6 में, और दोस्तों उनको काफ़ी अच्छा पॉप मिलता है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड की तरीके से रिएक्शन मिलता है दोस्तों, जिसमें आते ही उन्होंने जैक समथिंग उनके दोस्त हैं दोस्तों उन पर अटैक कर देते हैं और साथ ही साथ कुछ रेसलर्स पर हमला करते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो सैमी कैलन हैं वो आते हैं और उनको एक अपना फिनिशर मूव लगाते हैं जो कि काफ़ी तगड़ा था। और बात की जाए हमारे भूपेंद्र गुज्जर की दोस्तों, तो भूपेंद्र गुज्जर नंबर 10 में आते हैं जो कि बैटल रॉयल है, उनको भी अच्छा पॉप मिल रहा था। और दोस्तों आते ही उन्होंने रोहित राजू पर हमला बोल दिया था जो कि सरप्राइजली था, क्योंकि दोस्तों रोहित राजू जो है वो भी इंडियन है और हमारे भूपेंद्र गुज्जर भी इंडियन है, और एक दूसरे को वो मारने लगते हैं, साथ ही साथ जेक समथिंग पर भी हमला करते हैं। इस तरीके से हमारे जो भूपेंद्र गुज्जर हैं दोस्तों वो रोहित राजू से भिड़ जाते हैं, शुरुआत से लेकर आखिरी तक रोहित राजू से ही में ही उलझे रहते हैं। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि इन दोनों की जो दोस्तों स्टोरी लाइन है वो आगे TNA रेसलिंग में चल सकती है, जिसमें दोस्तों आखिर में जो एलिमिनेशन है दोस्तों रोहित राजू और हमारे भूपेंद्र गुज्जर दोनों ही एक साथ एक दूसरे को एलिमिनेट करने को होते हैं, पर दोस्तों हमारे जो हमारे रायन होते हैं दोस्तों वो हमला कर देते हैं रोहित राजू और भूपेंद्र गुज्जर को, दोनों को ही एलिमिनेट कर देते हैं, जिस वजह से दोस्तों हमारे भूपेंद्र गुज्जर और रोहित राजू बाहर हो जाते हैं। दोस्तों इन दोनों की बुकिंग काफ़ी बेकार थी, क्योंकि दोस्तों इन्होंने दोनों ने किसी भी रेसलर को एलिमिनेट नहीं किया था। अगर दोस्तों थोड़ा बहुत डोमिनेशन के साथ एक दो रेसलर को एलिमिनेट करते तो अच्छा होता, जैसे हमारे महावली से अगर आते हैं दोस्तों तो एक आधा दो रेसलर को तो एलिमिनेट करे बिना छोड़ते नहीं हैं, तो इन दोनों की बुकिंग अच्छी होती तो और अच्छी बात थी। और दोस्तों साथ ही साथ दोनों ही एलिमिनेट एक साथ हुए हैं तो इनकी स्टोरी लाइन आगे चलने वाली है। और बात की जाए दोस्तों हमारे रोहित राजू, उनमें उनकी जो वीडियो थी दोस्तों, मैंने उसमें कमेंट किया था कि देसी हिट स्क्वाड जो है रिटर्न करने वाली, तो उन्होंने लाइक किया था और भी सुपरस्टार ने उसको लाइक किया था, मतलब दोस्तों आने वाले टाइम में हमारी देसी हिट स्क्वाड आने वाली है दोस्तों, जो कि काफ़ी डोमिनेट तरीके से होगी, क्योंकि दोस्तों रोहित राजू ने अपना नाम बना लिया है और वो काफ़ी तगड़े बन गए हैं TNA रेसलिंग के एक जाने माने, क्योंकि दोस्तों उन्होंने एक्सिबिशन चैम्पियनशिप भी जीत ली है, तो जो अब जो देसी स्क्वाड होगी दोस्तों वो काफ़ी तगड़ी होगी, जिसमें दोस्तों हमारे राज सिंह हो सकते हैं इसमें, साथ साथ दोस्तों महावली शेरा भी हो सकते हैं। अगर महावली शेरा होते हैं तो उनके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों पहले इम्पैक्ट रेसलिंग हुआ करती थी, अब जो TNA रेसलिंग है उसकी बात ही अलग है। और बात की जाए भूपेंद्र गुज्जर, तो भूपेंद्र गुज्जर को फिर से मनाया जाएगा कि देसी हिट स्क्वाड में शामिल हो जाएं, और हमारे रोहन राजा भी दोस्तों आ सकते हैं इस टीम में, क्योंकि पहले भी वो इस टीम में काम कर चुके हैं। अगर दोस्तों देसी हिट स्क्वाड अगर वापस आती है TNA रेसलिंग में तो बहुत ही बड़ी बात होगी और काफ़ी तगड़ी टीम होगी, क्योंकि दोस्तों जैसे WWE में फैक्शन का ज़्यादा काम कर रही है, उसी तरीके से दोस्तों अगर TNA रेसलिंग भी फैक्शन के ऊपर ध्यान देगी तो बहुत ही अच्छा होगा, और उनको अच्छा भी स्टोरी लाइन भी मिल सकती है जो कि हमारी देसी हिट स्क्वाड है। आप मुझे कॉमेंट बताएं कि देसी हिट स्क्वाड को TNA रेसलिंग में वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।